आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं, इनको गोरिल्ला बन के दिखा। बाबा नहीं, शर्म आती है। अरे नहीं, ही बिकम वेरी गुड गोरिल्ला, वी विल शो यू। उनको दिखा, उनके पीछे से निकल के आ जाए। ओह गॉड, दिखा दिखा, कुछ नहीं होता। ओके, आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू गोरिल्ला। ओह लॉर्ड, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करता है। थैंक यू। अभी अनिल सर, आप जिम बहुत जाते हैं ना, ये आपको जिम मशीन बन के दिखाएगा। नहीं बाबा, मैं बॉडी बनाता हूँ, आप जिम मशीन बन जाए। मैं बनू मशीन? आ जा बेटे। ओके, ये देखो, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कैसा। ओके, टुडे इज माय चेस्ट डे। ओके, जोर लगा, जोर लगा, दूसरी बार भी लगा, जोर लगा, छोड़। वाह, बहुत अच्छे। ये क्या कर रहा है? अब मैं वेट बढ़ा रहा हूँ। और कितना वेट बढ़ाएगा तू? वेट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ा रहा है। अभी स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज, ये अभी आपको पेंगुइन बन के दिखाएगा। आज फिनाले है, आज सब बने गए, आ जाओ। वी आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू पेंगुइन। थैंक यू। बहुत मजा आया, आप लोग आए फिनाले में। और जैसे आपकी सीरीज सेकंड पार्ट आया है, हम दुआ करते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट आए, ऐसे ही अगली बार भी आप लोग आइएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले सीजन में हम लोग, नेक्स्ट सीजन होगा। आदित्य का एक डायलॉग है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था ना, कभी आप फंसे ऐसी जगह पे? हाँ, स्कूल कॉलेज। आप फंसे हैं कभी ऐसे सोबिता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं, कभी भी नहीं, टुडे मुझे बहुत डर था यहाँ, मतलब यहाँ आने से पहले, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इतनी। इतनी अच्छी तो बोल रही हैं, और क्या करना, ग्रंथ लिखने आपने हिंदी? इतनी अच्छी तो बोल रही हैं आप। तिलोत्मा को बोल रही थी, तुम बंगाली हो बट योर हिंदी सो गुड यार। अरे सर, अब तो आप इंटरनेशनल स्टार बन चुके हो, पहली आपको इंटरव्यू कोई आपकी याद है जब आपको फील हुआ था कि अब मैं द अनिल कपूर बन गया हूँ? नहीं, जब मैंने पहली फिल्म की थी, एज तेलुगु फिल्म की थी मैंने। अच्छा जी। और लोग जानते नहीं थे, तो मुझे, मैं शिरडी गया। अच्छा जी। के काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बाबा के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, और अच्छा जी, और पूछते हैं यार कुछ काम वाम मिलना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे की बात कर रहा हूँ, 40 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा जी। तो वहाँ गया, तो जैसे मैं बाहर निकला, तो एक दो बसेस से लड़कियाँ बच्चे उतरे। अच्छा जी। तो यार सडनली मुझे उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और उन्होंने मेरी तेलुगु फिल्म देखी थी। अच्छा। वंश रक्षम। तो उस दिन थोड़ी सी ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ है, कुछ कर सकता हूँ मैं। एक ये पहली बार ऐसा लगा था। फिर एक बार मैंने एक प्ले किया था, और उसमें दो कलाकार थे, उसमें शशि कपूर साहब चीफ गेस्ट थे। अच्छा जी। और यू नो उनका योगदान बड़ा रहा है मेरे करियर में, शशि कपूर साहब का। तो वो चीफ गेस्ट थे, और मेरे डायलॉग्स बहुत कम थे उस प्ले में, और आधे डायलॉग्स मैं भूल गया, और सबको लगा मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, और मुझे दिलीप कुमार ट्रॉफी मिला बेस्ट एक्टर का। अरे वैसे अनिल सर, आप मैंने देखा है आप इतने करेक्टर में घुस जाते ना, कोई तो बोल रहा था कि अनिल सर जब पूरा घुसे होते ना करेक्टर में, कोई थप्पड़ थप्पड़ मारने का सीन हो तो मार भी जाते हैं असली में। नहीं, ये झूठ है। ये यू नो कभी कभी क्या होता है, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके बोलते हैं ताकि दो चार इंटरव्यू मिल जाए उनको।
जितनी भी हीरोइंस हमारे शो पे आती ना, कभी ऐसे खाने पीने की लेके बात, फिटनेस को लेके बात होती है, सब आदित्य के बारे में एक बात बोलती है कि आदित्य जितना चाहे डाइट फूड खा सकता है। इज इट ट्रू आदित्य? हाँ, 6 साल से डाइट पे ही हूँ। क्या क्या करना चाहते हैं आप? एक्टिंग करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इतने फिट है आप, मतलब। हाँ, पर करना पड़ता है ना। आई हैव द पंजाबी जीन्स, तो मैं एक दो दिन में चीट कर भी लेता हूँ ना, तो पुट ऑन वेट वेरी फास्ट। वही मैं सोच रहा, जैसे मॉनसून चल रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, बगल में आपने एक ठेला देखा, समोसे गर्म गर्म ही निकाल रहा है वो, देखना ही नहीं। उस समय आपके अंदर का कपूर आपको रोकता है समोसा खाने से, या समोसे को देख के आपकी अर्चना पूरन सिंह बाहर आती है? सॉरी, मतलब कभी कभी करना जरूरी है, बट जनरली मैं डाइट पे रहता हूँ। इट्स टफ टू बी एन एक्टर नाउडेज। या मैन, आप अर्चना जी जाने के बाद ना, पैकअप के बाद, ये जो आपके काउंटर के पीछे अंदर पाव भाजी और ये सब पड़ा होता है ना, वो प्लीज हटा के जाया करो, पता है? वो बट अर्चना जी इज लॉस्ट वेट, शी लुकिंग ब्यूटीफुल। यस, अर्चना जी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। शर्मा जी की वाइफ। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बात कर रही हूँ, ये इंडोर प्लांट नहीं होते जो घरों के अंदर रहते हैं। शी इज माय इंडोर वाइफ, बाहर मैं नहीं मानता। कितनी बार कहा बाहर आके मुझे भैया बोला करो, तो भैया अच्छा लगता है ये सब। और ये है मेरे कैक्टस जैसे पति, सिर्फ चुभने वाली बातें करते। बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, बीच या माउंटेन? मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा, और आप भाड़ में जा सकती हैं। जी नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉटरी निकली है जिसमें दो लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओह वाओ, तो मेरे को दे दो लॉटरी, दो जने जा सकते हैं। या सो व्हाट्स योर प्लान सुविता? क्या बोला? बोल दिया मैंने एक बार जो बोलना था। व्हाट्स योर प्लान सुविता? मतलब हीरोइंस के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है, वरना घर में बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं। चला चला पूरे चला, ए चला चला। ओए ये लाइन किसने लिख के दी इसको? मैं बस कंडक्टर की तरह इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम अपने माइक को मिस ना करो। आपको पता है क्या हुआ? जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकाल क्यों नहीं देते? सुनो मेरी बात आराम। ये सर जी बस अड्डे पे इनका घर था, और बस के नीचे सारी फैमिली सोती थी। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि 5:15 बजे घर चल पड़ता था। नासिक चले जाती थी बस। ये सिर्फ बातें घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाता है, मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाता। पिछले महीने में हम लोग भाई के लिए और लड़की देखने गए, मैंने कहा कि भाई तुम जीजा हो चलो साथ में कुछ हेल्प कर दो, वहां भी नहीं गया ये आदमी। मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहां किसी की हेल्प करूं? सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन खराब निकला, भूल ही जैसे आदित्य रॉय कपूर मिल गया। अनिल सर, आपने नायक में एक दिन के लिए आप सीएम बने थे, राइट? आई थिंक सारी बीवियों को एक दिन के लिए पति बनना चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, पति बनना चाहिए? तुम 3 दिन पार्लर में जाओ, रवि बैल नगले लगती हो तुम। मेरे से ज्यादा पति लगती है। ये सिर्फ मुझ पे बातें बनाता है अर्चना मैम। कल मेरी फ्रेंड आई, उसकी लाल साड़ी पे इस आदमी ने इतनी तारीफें की, मैं क्या बताऊं आपको? तो वो अच्छी लग रही थी लाल साड़ी में, तो मैंने तारीफ कर दी, उसमें क्या गलत है? घूमो जरा, जस्ट टर्न अराउंड। क्या? मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गंदे कलर की। यार ये इतने बड़े बड़े एक्टर आए, इन सबको छोड़ के मैं तुम्हारी साड़ी का रंग बताऊं? ये क्या हट भाई साहब। ए जी, ओ जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, ए मम्मी, लो जी, लो जी, सुनो जी, आज आप लोग क्या बन के आए? अरे आज मैं इनकी राधा उर्फ माधुरी दीक्षित बन के आई हूँ। और मैं इनका लखन यानी कि अनिल कपूर बन के आया हूँ। लग रहा है ना झकास? अरे बेटर, जबरदस्त झकास का तो पता नहीं, दोनों आप झापड़ी के लग रहे हैं।